हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद नई नई इसकी समस्याएं कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ रही हैं। आज बात करेंगे बोन डेथ की। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम खुद से कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो कोविड के बाद होने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जबकि आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकती हैं वो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें ब्लैक फंगस के ऊपर हमने पूरी डिटेल में कैसे ये फैलता है इसके ऊपर बात की हुई है। तो दोस्तों, जब एक बोन को हम देखते हैं, इसके बाहर और इसके अंदर कुछ रक्त कोशिकाएं ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनसे न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। किसी भी कारणवश इन ब्लड वेसल्स में आया ब्लॉकेज इसकी ऑक्सीजन सप्लाई को घटा देता है, जिससे बोन में पेनफुल आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है। यही सबसे मेन पॉइंट है, जब आप इंटरवीन करके डॉक्टर को दिखा के इसको रोक सकते हैं। पेन एक अलर्टिंग साइन होता है, अगर आप इसको इस सिचुएशन में इग्नोर करते हैं तो लंबे समय के बाद ये नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बोन में छोटे छोटे ब्रेक्स आ जाते हैं और बोन की डेथ हो जाती है। इसी को हम एवैस्कुलर नेक्रोसिस भी कहते हैं। दोस्तों, कौन कौन से जॉइंट्स एंड बोन को ये इन्वॉल्व करती है, तो बोन डेथ आपके किसी भी जॉइंट या बोन को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसमें हिप जॉइंट शोल्डर जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसको कैसे पहचान सकते हैं, जब भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में वो बोन हो या अदर ऑर्गन ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है तो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। पहचानने के लिए सबसे बड़ा की फीचर होता है पेन। एक इन्फ्लेमेटरी पेन आपका किसी जॉइंट या बोन में हो रहा है, वॉकिंग के टाइम पे ज्यादा बढ़ रहा है, खड़े होते समय ज्यादा हो रहा है, या इवन सीवियर केसेस में आपको रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये आपके लिए अलर्टिंग साइन है, इनको पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किन किन लोगों को ये ज्यादा हो सकता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, तो 40 प्लस एज में ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि जितने हमारे पास मुंबई और दिल्ली से अभी केसेस आए हैं वो 32 से 40 ईयर एज के पेशेंट्स हैं, प्लस जिन लोगों को हाई डोज स्टेरॉइड चला है उनमें ज्यादा देखने को मिला है। पोस्ट कोविड से रिकवर्ड पेशेंट 1 महीने से 1 साल के बीच ये समस्या उनको डेवलप कर सकती है। तो हाई डोज स्टेरॉइड दोहरा वार करता है हमारी हड्डियों के ऊपर, ये इसका इंटेक लिपिड और फैट अमाउंट को लिक्विफाई कर देता है, उसके अमाउंट को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, प्लस स्टेरॉइड का थ्रोम्बोजेनिक ब्लड को गाढ़ा करने वाला क्लोट जमाने वाला इफेक्ट, ये दोनों आगे चल के किसी भी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकते हैं और एवैस्कुलर नेक्रोसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एवैस्कुलर कंडीशन ना कि सिर्फ हड्डियां, इसके साथ साथ ब्रेन बैडली इन द हार्ट एंड किडनी लीवर किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ एवैस्कुलर नेक्रोसिस के अदर रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे हाई अल्कोहल कंजम्पशन, आप शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्टेरॉइड ज्यादा ले रहे हैं, या आपके किसी जॉइंट को ट्रोमा या चोट लगी है। दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए MRI सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें आप किसी भी पेन को, खासकर कोविड से रिकवर्ड पेशेंट में किसी जॉइंट के या बोन के पेन को आप इग्नोर ना करें। साथ साथ अगर आपको ऐसा कुछ स्टिफनेस, कुछ कड़कपन महसूस होता है जॉइंट्स के अंदर, तो आप वार्म कंप्रेशन कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, खुद से जॉइंट की ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी डिजीज कंफर्म होती है तो इसमें आपके ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, साथ साथ NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करती है। और सीवियर केसेस, अगर आपकी हड्डी ज्यादा ही सड़ चुकी है, उस केस में सर्जरी के द्वारा बोन के डेड पार्ट को निकाल के वहां पे आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन की जा सकती है। तो दोस्तों, की पॉइंट ऑफ द वीडियो, पोस्ट रिकवरी कोविड पेशेंट्स किसी भी बोन पेन या जॉइंट पेन को इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही अगर आपको स्टिफनेस कोई फील होती है जॉइंट के अंदर, कुछ अकड़न महसूस होती है, आप उसकी एक्सरसाइज करें, उस जॉइंट का ओवर यूज ना करें। थैंक यू।